आज हम पढ़ाई करेंगे कि इलेक्ट्रिशियन के लिए आवश्यक सुरक्षा के नियम क्या होने चाहिए। कि एक इलेक्ट्रिशियन जो होता है वह अपने किन नियमों पर काम करता है। तो दोस्तों, एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन को यह ज्ञान होना चाहिए कि वह एक इलेक्ट्रिशियन है तथा विद्युत एक अच्छा सेवक है, परंतु अच्छा स्वामी नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रिशियन विद्युत का काम करता है तो वह एक अच्छा सेवक होता है, परंतु स्वामी नहीं होता है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए सदैव कभी भी कार्य में लापरवाही नहीं करनी चाहिए और किसी भी कार्य को करते समय नियम पूर्वक कार्य करना चाहिए, जिसके निम्नलिखित नियम हैं। जैसे केवल योग्यता प्राप्त व्यक्ति को ही विद्युत कार्य करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, बिना इंसुलेशन वाले चालकों को कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि कार्यशाला में काम करते समय फर्श को हमेशा साफ रखें तथा वहाँ पर सफाई की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। यदि आप कहीं भी कभी भी लाइट का काम करते हैं तो आपको जो लाइट सप्लाई है, मुख्य स्विच है, वह हमेशा ऑफ कर देना चाहिए। परिपथ में हमेशा उचित क्षमता का ही फ्यूज लगाना चाहिए। लैंपों को टूटने तथा गर्म लैंपों को वातानुकूलित पदार्थों के संपर्क में से बचाने के लिए विस्तार तारों का उपयोग किया जाना चाहिए तथा पानी की लाइनों से कभी भी विद्युत की आती नहीं करनी चाहिए। विद्युत उपकरणों पर कभी भी जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा जितनी भी हमारी लैब होती हैं या बड़े बड़े घरों में हम काम करते हैं तो यह ध्यान जरूर रखें कि मैन स्विच ऑफ किया है या नहीं किया तथा कभी भी काम करते समय कार्य के प्रति लापरवाही कभी भी नहीं होनी चाहिए और उस कार्य के प्रति हमें सजग रहना चाहिए तथा उस कार्य को करने की हमारे अंदर ललक होनी चाहिए। विद्युत उपकरणों के संबंध में यदि कोई भी अपन काम करते हैं तो धीरे धीरे केवल तप्त होकर अग्निशंकर पैदा कर सकते हैं। तो कभी भी हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी तार खुला ना छोड़ें, उसको विद्युत का जो तार है उसको हमेशा अच्छी तरह से टेप करना चाहिए।